हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, दो लेक्चर हो चुका है। अब इस तीसरे लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एडजॉर्प्शन के टाइप के बारे में। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं, जो एडजॉर्प्शन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन, और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिजॉर्प्शन। अब दोनों में हम लोग बेसिक डिफरेंस देखेंगे, जो केमिजॉर्प्शन किसको बोलेंगे, फिजिजॉर्प्शन किसको बोलेंगे, और दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होगा जिसको हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग डिफरेंस सीखने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो है दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसको फिजिजॉर्प्शन बोलेंगे, और एक केमिकल एडजॉर्प्शन जिसको हम लोग केमिजॉर्प्शन बोलेंगे। तो नाम से ही क्लियर है, यहां पे जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा, और वो जो फोर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे वैन डेर वाल्स फोर्स। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनता है जो कि स्ट्रांग होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे जो बेसिक है और सबसे मेन है, और इसी फर्स्ट प्रॉपर्टीज के कारण इसका प्रॉपर्टीज कुछ और हो जाएगा और इसका प्रॉपर्टीज कुछ और आएगा। तो फर्स्ट वाला आप ध्यान रखिएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेंट आर एडजॉर्ब ऑन एडजॉर्बेंट बाई वैन डेर वाल्स फोर्स, जो कि क्या होता है, वीक होता है। तो ध्यान दीजिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, यहां पे जो एडजॉर्प्शन हो रहा है एडजॉर्बेंट पे, जो एडजॉर्बेंट एक्यूमुलेट हो रहा है, यहां पे जो एडजॉर्ब हो रहा है वो वैन डेर वाल्स फोर्स द्वारा हो रहा है। कौन फोर्स, वैन डेर वाल्स फोर्स, ध्यान रखेंगे वैन डेर वाल्स फोर्स, जो कि वीक होता है, क्या होता है, वीक होता है। तो ध्यान रखेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट जो है ये आपका क्या हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया, और ये क्या हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, तो यहां पे एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वैन डेर वाल्स फोर्स है, और वैन डेर वाल्स फोर्स जो होता है हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, वीक होता है, और वैन डेर वाल्स फोर्स जो होता है यूनिवर्सल होता है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन जो होगा इसमें एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, उस एडजॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेंट आर एडजॉर्ब ऑन एडजॉर्बेंट बाय केमिकल बॉन्ड। तो यहां पे क्लियर है, यहां पे अगर आप देखिएगा एडजॉर्बेंट हो गया ये, और इसके ऊपर जो एडजॉर्बेंट है उसके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है। तो ध्यान रखेंगे यहां पे क्या बन रहा है, केमिकल बॉन्ड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, यही मेन पॉइंट है। इसी के कारण दोनों में बहुत सारा डिफरेंस आएगा, ध्यान रखेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड है यहां पे केमिकल बॉन्ड बना है, और केमिकल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, किसके तुलना में, वैन डेर वाल्स फोर्स के तुलना में। तो यहां पे बेसिक डिफरेंस देखिए, यहां पे एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो एडजॉर्प्शन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, वैन डेर वाल्स फोर्स के कारण हो रहा है। लेकिन यहां पे एडजॉर्बेंट का जो एडजॉर्प्शन हो रहा है एडजॉर्बेंट पे, वो किस के द्वारा हो रहा है, केमिकल बॉन्ड के द्वारा हो रहा है। इसीलिए यहां पे जो एक्यूमुलेशन हुआ है, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो रहा है, चिपक रहा है वो मजबूती के साथ, और यहां पे जो मॉलिक्यूल्स चिपक रहा है वो मजबूती के साथ नहीं चिपक रहा है। यहां पे लगाव है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट का कमजोर है, लेकिन यहां पे जो लगाव है एडजॉर्बेंट का और एडजॉर्बेंट का वो क्या है, मजबूत है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर है।
तो सिंपल में ध्यान रखेंगे फिजिकल एडसॉर्प्शन बोलेंगे ऐसा एडसॉर्प्शन जिसमें एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करता है। और केमिकल एडसॉर्प्शन हम लोग बोलेंगे या केमीजॉर्प्शन बोलेंगे जब एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे फिजिकल एडसॉर्प्शन जो होता है रिवर्सेबल होता है, इट इज रिवर्सेबल। क्यों होता है उसको भी समझा रहे हैं, लेकिन ये जो होता है ये इरिवर्सेबल होता है, इट इज इरिवर्सेबल। मतलब अगर एडसॉर्बेंट पर अगर मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट हो गया, एडसॉर्प्शन हो गया, तो ये जो है अलग हो सकता है, एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट दोनों अलग हो सकता है। ये अलग हो जाएगा एडसॉर्बेट और ये अलग हो जाएगा एडसॉर्बेंट, तो दोनों को आप अलग कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर एडसॉर्प्शन हो गया तो डीसॉर्प्शन भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स एक बार चिपक रहा है, फिर उसको अगर हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे या प्रेशर को कम करेंगे तो यहां से मॉलिक्यूल्स हट भी सकता है। बात समझ रहे हैं? तो यहां पे क्या हो रहा है, एडसॉर्प्शन, और यहां पे मॉलिक्यूल्स हट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे डीसॉर्प्शन हो रहा है। तो इसमें डीसॉर्प्शन पॉसिबल है, किसमें, फिजिकल एडसॉर्प्शन में। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन में डीसॉर्प्शन पॉसिबल है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स एक बार जब चिपक जाएगा तो उसको हम अलग कर सकते हैं, जो एडसॉर्बेंट है और जो एडसॉर्बेंट है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं प्रेशर को कम करके या टेम्परेचर को बढ़ा के। लेकिन यहाँ पे जो है एक बार अगर चिपक गया तो उसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये जो होगा इरिवर्सेबल होगा। क्या होगा, इरिवर्सेबल। एक बार एडसॉर्बेंट चिपक जाएगा, जमा हो जाएगा एडसॉर्बेंट के सरफेस पे, तो फिर वो अलग करना मुश्किल है, तो इसलिए इसको बोलेंगे इरिवर्सेबल है। ये हो गया एडसॉर्बेंट, और इस पर जब मॉलिक्यूल्स एक बार चिपक जाएगा तो इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, इरिवर्सेबल होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो सिलिका जेल को अगर हम किसी कंटेनर में रखेंगे जिसमें मॉइस्चर है, तो सिलिका जेल क्या करता है, अपने ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स को एडसॉर्ब कर लेता है। तो फिर पानी को और सिलिका जेल को आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब केमिकल एडसॉर्प्शन होगा, जैसे इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट लगना, तो रस्टिंग जो हो रहा है वो आप कह सकते हैं वो एक तरह का क्या हो जाएगा, केमिकल एडसॉर्प्शन हो जा रहा है, क्योंकि वहां पे एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है। और रस्ट का मतलब क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड के क्लियर बन रहा है। तो जब एक बार रस्ट लग जाएगा तो आप कह सकते हैं फिर रस्ट से हम लोग आयरन गेन नहीं कर सकते हैं, एक बार रस्ट हो गया तो खराब हो गया ना, तो रस्ट से हम लोग आयरन वापस नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह ये क्या होता है, इरिवर्सेबल होता है, एक बार रस्ट हो गया तो हो गया। इसका मतलब केमिकल एडसॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, इरिवर्सेबल होता है। तीसरा पॉइंट का ध्यान रखेंगे, ये जो होता है स्पेसिफिक नहीं होता है, इट इज नॉट स्पेसिफिक, लेकिन ये जो होता है हाईली स्पेसिफिक होता है, इट इज हाईली स्पेसिफिक। तो क्लियर है, यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट वो क्या है, वैन डेर वाल्स फोर्स। और वैन डेर वाल्स फोर्स जो होता है वो जनरल फोर्स होता है, वो यूनिवर्सल फोर्स होता है, हर एक जगह वो एग्जिस्ट लगभग करता है, वैन डेर वाल्स फोर्स। लेकिन यहां पे जो बॉन्ड बना है वो केमिकल बॉन्ड बना है, यहां पे एक स्पेशल टाइप का फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है या वो आयनिक बॉन्ड बन सकता है। और हम लोग जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो ये जो होगा वो स्पेशल होगा, जब तक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक हम केमिकल एडसॉर्प्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैन डेर वाल्स फोर्स है, ये जनरल फोर्स है, लेकिन केमिकल बॉन्ड जो है वो स्पेशल केस में ही बनेगा, इसीलिए ये जो होगा वो स्पेसिफिक नहीं होगा, लेकिन ये जो होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक जनरल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं वैन डेर वाल्स फोर्स। तो थर्ड पॉइंट का ध्यान रखेंगे, फोर्थ पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे फिजिकल एडसॉर्प्शन जो है उसका जो रेट है वो क्या होगा, कम होने लगेगा। इसका मतलब लो टेम्परेचर ही इसका फेवरेबल है, लो टेम्परेचर आएगा तो फिजिकल एडसॉर्प्शन होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तो फिर डीसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लो टेम्परेचर
इज फेवरेबल, लेकिन अगर हम यहां पे बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन में तो यहां पे क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएगा तो केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन फिर जब टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाने लगेगा तो फिर केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो घटने लगेगा। क्यों, वो भी हम समझाते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो फर्स्ट में तो बढ़ेगा, फिर बाद में क्या होगा, घटने लगेगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे तो वीक वैन डेर वाल्स फोर्स है। अब जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स फिर बाहर जाने लगेगा, हटने लगेगा, जिसको हम लोग डिजॉर्प्शन बोलेंगे। लेकिन अगर आप यहां पे देखिएगा तो यहां पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आपको एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ता है। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी देने के लिए आपको टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर हाई कीजिएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिलेगा। फिर जब एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिल जाएगा, फिर उसके बाद भी अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो फिर उसका रेट क्या होगा, घटने लगेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी तक तो वो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद अगर टेम्परेचर आप ज़्यादा देते हैं तो उसका जो रेट है केमिकल एडजॉर्प्शन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चार पॉइंट क्लियर हुआ। पांचवा पॉइंट का ध्यान रखेंगे, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा और केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा, इसका ध्यान रखेंगे। दोनों एडजॉर्प्शन बढ़ेगा अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं। जनरली ध्यान रखेंगे, जब भी हम एडसॉर्बेंट बोलेंगे तो गैस समझ लीजिएगा, और एडसॉर्बेंट बोलेंगे तो हम लोग समझेंगे सॉलिड समझेंगे। तो जब भी हम प्रेशर को अगर हाई करेंगे तो गैस का मॉलिक्यूल्स क्या है, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कम सरफेस पे वो जाके एक्युमुलेट हो सकता है, फिर और भी गैस जाके एक्युमुलेट हो सकता है क्योंकि जगह तो खाली है। तो जैसे ही हम प्रेशर को हाई करेंगे, मान लीजिए एक मोल गैस है तो एक मोल गैस इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, प्रेशर को हाई कर देंगे तो एक मोल गैस इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो इसका वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया तो कम एरिया में जाके एक्युमुलेट हो सकता है। तो इस तरह जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही फिजिकल एडजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों क्या होगा, बढ़ेगा। तो इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, इसका भी वही हाल होगा जो इसका हाल है, इट इज इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। क्लियर। उसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर कम कर देंगे, इसे पहले भी बताएं, तो यहाँ पे डिजॉर्प्शन स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रेशर कम कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन चुका है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्रीज इन प्रेशर कॉज डिजॉर्प्शन, यहाँ पे डिजॉर्प्शन हो सकता है अगर हम प्रेशर को कम कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिक्रीज इन प्रेशर डज नॉट कॉज डिजॉर्प्शन, यहाँ पे डिजॉर्प्शन नहीं होगा। सिक्स पॉइंट ध्यान रखेंगे, इट डू नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा उसको भी समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, और केमिकल बॉन्ड कब बनेगा, जब हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, ये तो यूनिवर्सल फोर्स है, तो यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसीलिए इसको एक्टिवेशन एनर्जी का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो सिक्स पॉइंट तक आप नोट कीजिए, फिर कुछ और पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो सिक्स पॉइंट हो गया, सेवन पॉइंट का बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब भी एडजॉर्प्शन होगा, या फिजिकल एडजॉर्प्शन हो या केमिकल एडजॉर्प्शन हो, वहां पे मॉलिक्यूल्स जो है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, तो नजदीक आएगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे यहां पे वीक वैन डेर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट, इसीलिए यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगा वो कम अमाउंट में रिलीज होगा, लेकिन यहां पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा, इसीलिए यहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। मतलब यहां पे जो हीट रिलीज होगा वो ज्यादा अमाउंट में, लेकिन यहां पे जो हीट रिलीज होगा वो कम अमाउंट में, क्योंकि यहां पे वीक फोर्स है, और यहां पे क्या, स्ट्रांग फोर्स, स्ट्रांग फोर्स मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और वीक फोर्स यहां पे है, इसका मतलब यहां पे एनर्जी कम निकलेगा। तो हीट ऑफ फिजिकल ऑप्शन इज लो, लो होगा, कितना से कितना होगा, तो वही लगभग 20 से 40 जूल पर मोल होगा, लेकिन वही इसका अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हाई होगा, तो लिख सकते हैं इसको हीट ऑफ केमिकल ऑप्शन इज हाई, हाई होगा, लिख सकते हैं अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, 40 से लेकर 400 के बीच में हो सकता है जूल पर मोल।
एट पॉइंट का ध्यान रखेंगे, इसमें जो एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल जो है वो जब एक्यूमुलेट होगा तो बहुत सारा लेयर बनाएगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे इसको लिख सकते हैं इट फॉर्म मल्टी लेयर, बहुत सारा लेयर बनाएगा। जैसे ये आपका हो गया एडसॉर्बेंट, अब इस पर जब मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट करेगा चिपकेगा तो लेयर वाइज बनेगा, इसे एक के ऊपर एक होगा, क्योंकि सबके बीच में, इसके बीच में हो या इसके बीच में हो या इसके बीच में हो, सबके बीच में कौन फोर्स एग्जिस्ट करेगा, वंडरवाल फोर्स। और हम लोग जानते हैं वंडरवाल फोर्स क्या होता है भाई, यूनिवर्सल फोर्स होता है, और मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लगेगा, और ये सॉलिड और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टी लेयर नहीं बनेगा, सिंगल लेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इट फॉर्म सिंगल लेयर, इसी को बोल सकते हैं यूनिलेयर या मोनोलेयर, मोनोलेयर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एडसॉर्बेंट के ऊपर जो एडसॉर्बेंट चिपकेगा वो सिंगल लेयर में, इस तरह एक लेयर होगा सिंगल लेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल लेयर, और यहाँ पे क्या है, मल्टी लेयर। क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वंडरवॉल फोर्स है, तो सब वंडरवॉल फोर्स है, जितना भी मॉलिक्यूल्स है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वंडरवॉल फोर्स। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है स्पेशल है, केमिकल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पे सिंगल लेयर बन गया। क्लियर। नाइन पॉइंट हम लोग देखते हैं, दोनों के केस में अगर हम देखेंगे तो सरफेस एरिया एडसॉर्बेंट का जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा। बात समझे, अगर कोई एडसॉर्बेंट सॉलिड फॉर्म में है और उसी को जब हम पाउडर फॉर्म में कर देंगे, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में कर देंगे, छोटा छोटा पीस में कर देंगे, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसलिए सॉलिड के केस में एडसॉर्प्शन कम होगा, और जब पाउडर फॉर्म में बना देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इस कारण वहां पे एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा, वो या केमिकल एडसॉर्प्शन हो या फिजिकल एडसॉर्प्शन हो। तो दोनों के केस में लिख सकते हैं, ठीक है, तो फिजिकल एडसॉर्प्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा फिजिकल एडसॉर्प्शन या कोई भी एडसॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। इधर लिख सकते हैं उसी तरह, केमिकल एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा केमिकल एडसॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, मतलब दोनों ज्यादा होगा, दोनों डिपेंड करेगा सरफेस एरिया किसका, एडसॉर्बेंट पे। कम सरफेस एरिया होगा तो कम एडसॉर्प्शन होगा, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा, ये तो फैक्ट है। टेन पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, तो अगर हम एडसॉर्बेंट गैसेस मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ऐसा गैस जो आसानी से लिक्विड में बदल सकता है, इसको आगे भी हम बताएंगे, ऐसा गैस जो आसानी से लिक्विड में बदल सकता है वो गैस ज्यादा एडसॉर्ब होगा फिजिकल एडसॉर्प्शन में। तो मोर इजली लिक्विफिएबल गैसेस आर एडसॉर्ब रेडली, मतलब ऐसा गैस जो आसानी से लिक्विड में बदल सकता है, मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, वैसा गैस ज्यादा आसानी से क्या होगा, एडसॉर्ब होगा, किसमें, फिजिकल एडसॉर्प्शन में। लेकिन अगर हम केमिकल एडसॉर्प्शन में बात करेंगे तो वही गैस ज्यादा आसानी से एडसॉर्ब होगा जो गैस एडसॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाता है, जो गैस केमिकल बॉन्ड बनाएगा एडसॉर्बेंट के साथ वही गैस केमिकल एडसॉर्प्शन को शो करेगा। तो लिख सकते हैं यहां पे, गैसेस विच रिएक्ट, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन, रिएक्ट विथ एडसॉर्बेंट एक्सिबिट केमिकल एडसॉर्प्शन। तो क्लियर है, जो गैस आसानी से लिक्विड में बदल सकता है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, वो गैस कैसा एडसॉर्प्शन शो करेगा, फिजिकल एडसॉर्प्शन। लेकिन ऐसा गैस जो एडसॉर्बेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, वो गैस जो है केमिकल एडसॉर्प्शन को शो करेगा, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो 10 पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, 10 पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा मल्टीपल च्वाइस के फॉर्मेट में, तो इस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। एक दो और पॉइंट आपको लिखवा देते हैं जो बहुत ही नोटेबल है, तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगला पॉइंट्स लिखते हैं।
फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फिजी जॉब्सन कन्वर्ट हो सकता है किसमें, केमी जॉब्सन में। मतलब शुरुआत में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, वंडरवॉल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है फिजी जॉब्सन में, लेकिन जैसे ही हीट करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो सकता है केमी जॉब्सन में। मतलब अब मॉलिक्यूल्स और एडसॉर्बेंट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर फिजी जॉब्सन कैन बी कन्वर्टेड इंटू केमी जॉब्सन, इसका ध्यान रखेंगे। सेकेंड ध्यान रखेंगे, जो भी एडजॉर्प्शन होता है वो फिजिकल हो या केमिकल हो वो एक्सोथर्मिक होता है। तो ऑल एडजॉर्प्शन वो केमी हो या फिजियोजॉर्प्शन हो आर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन एक ऐसा एडजॉर्प्शन होता है जो एंडोथर्मिक होता है, जैसे अगर हम हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब कराएंगे ग्लास के ऊपर, ग्लास के सरफेस के ऊपर, तो ग्लास के सरफेस पे जब हम हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब कराएंगे तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, मतलब ये प्रोसेस जो होगा इंडोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक। ध्यान रखेंगे ये एक्सेप्शन में है, तीसरा एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर सकता है। तो सभी एक्सोथर्मिक होगा लेकिन कुछ केस में ये इंडोथर्मिक हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट सेकेंड हो गया। थर्ड ध्यान रखेंगे, एक वर्ड यूज करेंगे ओकुलूजन। ओकुलूजन क्या है? तो जब मेटल का सरफेस गैस को एड्सॉर्ब करेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओकुलूजन। तो इसको लिख सकते हैं एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सरफेस, या पोर्स भी लिख सकते हैं, मेटल के अंदर छोटा छोटा पोर्स होता है जिसपे वो गैस को एड्सॉर्ब कर लेता है, गैस ऑन सरफेस या पोर्स ऑफ मेटल्स। और वो जो मेटल्स होंगे जनरली कौन होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, जिसको आगे हम लोग कैटलिस्ट में पढ़ेंगे। तो ये तीन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है ये सीख गए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो सीख गए, और कुछ खास पॉइंट जो लिखवा है उसको हम लोग सीख गए। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग अगला जो टॉपिक्स है, अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको अगले लेक्चर में सीखेंगे। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सके और उनका भी भला हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, बार बार हम बोल रहे हैं हर एक लेक्चर पे बेस्ड बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का नीट और एम्स का क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ पर जाके आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसको बनाइए, और जो भी डाउट्स है आपका वो सब डाउट्स हमसे पूछिए, इनबॉक्स में डालिए और हम पूरा कोशिश करेंगे आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। तो फिर मिलेंगे हम लोग डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।